इसरो का सूर्य मिशन आदित्य L1 अपने रास्ते पर है। उसकी सेहत सही है ये बताने के लिए उसने धरती पर रह रहे लोगों को अपनी सेल्फी भेजी है। नमस्कार, मैं हूँ सत्या द्विवेदी, आपके साथ लोकमत हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सूर्य की जानकारी जुटाने के लिए लॉन्च किए गया आदित्य L1 भी लैंडर की तरह चांद के साथ पृथ्वी की तस्वीरें भेज रहा है। आदित्य L1 ने आज पृथ्वी और चंद्रमा के साथ एक खास सेल्फी ली है, साथ ही साथ वीडियो भी बनाया है जिसे इसरो ने ट्वीट कर साझा किया है। इसरो द्वारा साझा किए गए फोटो में पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा दिख रहा है। बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 2 सितंबर को सोलर मिशन को लॉन्च किया था। इससे पहले इसरो ने चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कराकर इतिहास रच दिया था। इसरो ने इस रॉकेट के सफल लॉन्चिंग के बाद कहा था कि आदित्य L1 यान PSLV रॉकेट से सफलतापूर्वक अलग हो गया है। भारत का ये मिशन सूर्य से संबंधित रहस्यों से पर्दा हटाने में मदद करेगा। आदित्य L1 अभी 18 सितंबर तक धरती के चारों तरफ 4 बार ऑर्बिटर बदलेगा। अगली ऑर्बिट मैन्यूवरिंग 10 सितंबर को रात को होगी। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती के चारों तरफ ऑर्बिटर इसलिए बदला जा रहा है ताकि वो इतनी गति हासिल कर ले कि वो 15 लाख किलोमीटर की लंबी यात्रा को पूरा कर सके और L1 पॉइंट तक पहुंच सके। L1 तक की यात्रा पूरी करने के बाद आदित्य के सारे पेलोड्स ऑन किए जाएंगे, यानी उसमें जितने भी यंत्र लगे हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, वो सूरज की स्टडी शुरू कर देंगे। लेकिन बीच बीच में उनकी सलामती के लिए उन्हें बार बार जांचा जाएगा और एक्टिव करके देखा जाएगा, ये देखने के लिए कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। एक बार आदित्य L1 तक पहुंच जाएगा तब वो हर दिन 1440 तस्वीरें भेजेगा ताकि सूर्य की बड़े पैमाने पर स्टडी की जा सके। ये तस्वीरें आदित्य में लगा विजुअल मिशन लाइन कोरोनाग्राफ यानी VELC लेगा। इसरो वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 मिशन को 5 साल के लिए बनाया है, लेकिन अगर ये सही सलामत रहा तो ये 10 से 15 साल तक काम कर सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।